हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क असेंडेड का। पिछले एपिसोड में हम लोग ने हमारे डायनोज के लिए एक नया बड़ा सा बेस समंदर के ऊपर पिल्लर और सीलिंग लगा के बना लिया था। और अभी हमारा बेस ना थोड़ा सा अच्छा, भाई ये ड्रॉप कहाँ से आ गया, रुके ड्रॉप को भाई यहाँ पे नीचे भाई खाली कर रहे थे सब कुछ इसके अंदर से। बाकी आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको आरपीसी आर्क मोबाइल या माइनक्राफ्ट वगैरह के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। सो चलो आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग ने जो है ना गाइस हमारे डायनो के लिए यहाँ पे एक बड़ी सी एरिया में एक भाई समंदर के ऊपर बेस बना दिया है। और ये वाला भी एरिया जो है ना पूरा का पूरा खाली है और उतनी ज्यादा भसड़ जो है ना गाइस वो यहाँ पे मची हुई नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो ना गाइस काफी सारे अलग अलग डायनोज अगर हम लोग चाहे तो टेम करके लेके आके रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो है ना गाइस वो हम लोग को होगी नहीं। और वही अभी आज हम लोग करने के लिए जाने वाले, मेरे पास 9 एरो है, एलिमेंटल कीपर 50 पड़े हुए हैं। और मैं जा रहा हूँ अपने क्या बोलते हैं इसको, क्विजल को लेके सीधा रेडवुड के अंदर। रेडवुड में से जो है ना गाइस हम लोग कुछ ज्यादा खतरनाक वाले डायनोज को पकड़ के लेके आने का काम आज के इस वाले वीडियो में करने वाले। अबे उड़ जाना भाई, क्या हो गया क्विजल? अच्छा, मुझे लगा क्विजल उड़ नहीं रहा, बेचारा ओवर वेट हो गया है। सो गाइस, इसकी मदद से हमको जो भी ओपी सा डायनो आज दिखेगा उसको हम लोग भाई नॉकआउट करके पकड़ के लेके आएंगे सीधा क्विजल के ऊपर बिठा के। बाकी तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे डायनोज हो चुके हैं। और जो हम लोग प्रैम्बल क्योस मॉड खेल रहे हैं, ये मॉड के सारे डायनोज जब टेम हो जाएंगे उसके तुरंत बाद हम लोग बॉस फाइट का काम शुरू कर देंगे। हम लोग को बस फर्स्ट बॉस फाइट ब्रूड मदर के साथ है ना, तो शायद से मैं मेगाथेरियम या फिर रेक्स की एक आर्मी बनाऊंगा और ब्रूड मदर की बैंड बजाने के लिए गाइस हम लोग निकल लेंगे। वैसे भी हम लोग को हाई लेवल के बस दो ही भाई रेक्स चाहिए होंगे, उनका ब्रीडिंग वगैरह करके एकदम ओपी सी आर्मी हम लोग भाई यहाँ पे बना देंगे। और अभी हम लोग जा रहे रेडवुड पे, और रेडवुड से मैं जाऊंगा गाइस वो वॉल्केनो पे, अगर रेडवुड में कोई ओपी सा डायनो मिला नहीं तो। वैसे रेडवुड में पब्लिक बोल रही थी कि बियर वगैरह टेम करो, तो देखते हैं बियर वगैरह रेडवुड में हम लोग को मिलते हैं कि नहीं। वैसे रेडवुड में मैं तो पहुंच ही गया ऑलमोस्ट। बाकी रेडवुड तक जब तक हम लोग पहुंच रहे ना, हमारे दो और चैनल है, आर्क गेमिंग, गेमिंग विद एनी, दोनों चैनल को चेकआउट कर लेना। दोनों चैनल का लिंक कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा और दोनों चैनल पे ओपी ओपी वीडियोस आती रहती है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो आर्क गेमिंग एंड गेमिंग विद एनी, दोनों चैनल का नाम सर्च करोगे नंबर वन पे ही चैनल्स आ जाएंगे। बाकी तो मैं रेडवुड में आ चुका हूँ एंड अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे दुबे के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आर्क वालों ने इतना फॉग डाल रखा है इसमें, क्या बताओ आपको भाई, हर जगह पे बस फॉग ही फॉग दिखाई देता है मुझे। नीचे भाई ये सार्को वगैरह दिख रहे हैं, सार्को वैसे मैंने टेम नहीं करे बट मुझे अभी टेम करने का मन नहीं है सार्को। स्टैमिना कितना है क्विजल भाई? फुल स्टैमिना भाई क्विजल पे, वो 10 लेवल पे आ चुके हैं क्या, 10,000 हेल्थ। उसके थोड़े से हेल्थ में भी पॉइंट डाल दो, ठीक है यार। इसकी हेल्थ वैसे ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो उसके हेल्थ में पॉइंट डाल के उतना ज़्यादा कुछ गाइस फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे बियर देख रहा हूँ, अगर मुझे किनारे किनारे पे बियर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर यहाँ पे किनारे पे कहीं पे बियर मिल गया ना तो उसको टेम करके लेके चले जाएंगे। बस हाई लेवल का बियर होना चाहिए और साथ में और भी किसी डायनो को पकड़ेंगे। कोई दिख रहा है क्या? मुझे लगा कोई भाई यहाँ पे हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक बियर दिखाई दे रहा है उनको, यहाँ पे एक बियर। ये यहाँ भाई ये क्या है, ये क्या धुआं निकल रहेगा इन बियर के अंदर से? क्लास कौन सी है भाई बियर अंकल? यार दिखाई नहीं दे रहा, ये बियर के अंदर से धुआं निकल रहा है क्या? क्या ये? अबे लीच लीच नहीं है, ये कौन सा बियर है भाई? तुम जाओगे इस बियर में कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या बियर है? इलेक्ट्रिक टायर बियर लेवल 110 लेवल, व्हाट भाई 110 लेवल का डाइनो तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है। आ जाइए इधर, हो गया भाई एलिमेंटल कीबल ना, एलिमेंटल और सुपेरियर कीबल दोनों खाएंगा। हाँ भाई तेरे को मार खाना है क्या? मुझे लगा मुझे मारने के लिए आ रहा है ये भाई। मुझे भाई ये बियर मिल गया यार ओपी सा, जो कि है इलेक्ट्रिक भाई। इसके अंदर से अच्छा इसका एनिमेशन ठीक से, तुझे नाना ची तंगड़ी कह रहे, इतना हाई लेवल क्या हुआ भाई? आने कोंडी के बाजी है। अबे क्या सीन है, क्या सीन है भाई,
क्या सीन है भाई, सब आगे मेरे बियर की बैंड बजा रहे हैं। कितना भाई ले ले बैठे, हाँ भाई मार दो भाई, बियर की भाई बैंड बजा दो। 110 लेवल का मिला है, तुम उसे देखा नहीं जा रहा है। चोमो मार सबकी बैंड बजा, बियर उड़ उड़ के मार सबको भाई, देखा नहीं जा रहा है इन लोग से भाई। 110 लेवल का मेरा बियर, मार दे भाई बियर मार भाई। 1200 डैमेज दे रहा भाई, 1200 डैमेज दे रहा है बियर। आ जाए इसके ऊपर बैठ जा भाई, भाई बियर बियर पीछे हस्ती नहीं शी आवाज, वेरी वेरी गुड। अभी यहाँ पे ऊपर ही बैठे रहेगा तू, ठीक है ब्रो। मैं और ज़्यादा डायनोस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ अंदर भाई। ये बियर की ना ग्राफिक थोड़ी सी ग्लिच है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जहाँ से लाइटनिंग निकलनी चाहिए वहाँ से तो धुआं निकल रहा है इसके, मतलब इसकी ग्राफिक जो है ना इस डिज़ाइनिंग ठीक से करी नहीं गई है। चलो कोई सीन नहीं है, हम लोग चल रहे हैं अभी भाई आगे और देखते हैं। नॉर्मल बियर वगैरह मिल गया तो उसको भी डेम कर लेंगे। 152 लेवल का मिला यार, मतलब ये ओ एक बियर इतना ही लो मेगा थे में, छोड़ लेवल कितने बॉस फाइट के काम आएगा। ये देखो चीटियों का चुल देख रहे हो कितनी मच रही है, 60 लेवल है। नहीं ची भाई, चीटियों को चुल कितनी मच रही है देख रहे हो गाइस। अभी दिखाता है इन चीटियों को, रुको। चलो लाड़ में आ रही थी, कहाँ गया भाई मस्त बेकिक फिजल से। मैं यहाँ पे ना बियर को ढूंढ रहा हूँ, मेरे भाई काम का एरो वेस्ट करा दू एनाकोंडा विनाकोंडा के ऊपर। मैंने भाई बियर वगैरह ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे एक इलेक्ट्रिक बियर तो मिल गया है जो कि मतलब उतना सा तो कुछ खास दिख नहीं रहा, डैमेज तगड़ा दे रहा बट दिख नहीं रहा गाइस उतना कुछ खास। और उसको लेके मैं भी आराम से जा रहा हूँ गाइस यहाँ पे आगे। अल्फा पीटी, पीटी का वैसे भी मैं यूज़ करता नहीं हूँ गाइस एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए आजकल। कारनो वगैरह दिख रहे हैं मुझे, अल्फा कारनो नहीं यार, अल्फा कारनो का भी यूज़ खास कुछ करता नहीं। स्पाइनो दिख रहा है भाई यहाँ पे, स्पाइनो दिख रहा है बच्चे, ये वही स्पाइनो है जिसको हम लोग छोड़ के गए थे। मैं भी ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हम लोग को क्या देखने को मिलता है। ये बियर का लुक तो मुझे भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ही है बट इसका लुक मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या फोटो मोड पे भी ऐसे ही दिखेगा क्या ये? रुक जाओ मैं फोटो मोड पे देखता हूँ। मैं फोटो मोड पे ना ये हमको थोड़ा सा बेटर दिखाई दे। ऑलराइट गाइस, फोटो मोड पे क्या सीन है भाई? रुको, अरे हटो जल्दी यहाँ से हटो, हाँ ऊपर कर लो भाई। नहीं यार फोटो मोड पे भी वही सीन है भाई, फोटो मोड पे भी वही सीन है भाई। दिखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है बट यार ये लाइटनिंग की जगह पे जो ग्लिची ग्लिची इफेक्ट निकल रहा है ना इसके अंदर से, ये थोड़ा सा इसको वीर्ड बना रहा है। चलो कोई सीन नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। हमको भाई डायनो चाहिए ओपी वाला। ये बियर भाई दिखने में अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसलिए भाई इसको ज़्यादा खास कुछ चलाऊँगा नहीं। इसको ऐसे हम लोग ने टेम कर लिया, और जो पब्लिक बोल रही थी बियर को टेम करो, लो गाइस सीधा इलेक्ट्रिक बियर ही टेम कर लिया जो कि एकदम टट्टी दिख रहा है। अरे यहाँ पर तो खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्रॉन्टो टेम करके लेके जाऊँ अल्फा वाला ब्रॉन्टो टेम करके लेके जाए। 10 लेवल है क्या, 50 लेवल है वैसे, सोच तो रहा हूँ। नहीं रहने दो, चलो वो भाई बेचारा मेरे इसके ऊपर भाई आ भी नहीं पाएगा। यहाँ पे गाइस एक स्पाइनो भी दिखाई दे रहा है मुझे, आराम से भाई पीछा पीछा नहीं करना। लग नहीं रहा गाइस कि इस वाले एरिया में कुछ डायनो हम लोग को मिलने वाले हैं। मैं चाहता गाइस घर पे भाई अगर आगे ओ आगे कुछ दिख रहे हैं, रेक्स वगैरह दिख रहे हैं। ये कौन सा नॉर्मल रेक्स है यार, ए 125 नहीं 15 लेवल, मुझे लगा 125 लेवल का। क्रेंटो दिखाई दे रहा है भाई यार, सामने की तरफ भी लावा रेक्स है, लावा रेक्स ही गई जहाँ पर लावा रेक्स दिखाई दे रहा है। मैं काम करता हूँ गाइस, ये क्रेंटो शेंटो को मुझे टेम करना है, इसको टेम करने के लिए ना हम लोग को बलि देनी पड़ेगी हमारे एक डायनो की, और उससे पहले ना इसका वो टॉर्पोर वाला बनाना पड़ेगा मुझे। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर पे जाता हूँ, ये बियर को जो है ना सैडल पहनाता हूँ और वापस से यहीं पे आता हूँ इसको भाई मारने के लिए। इसको मार के ना इसका वो क्या है, कुछ तो मिलता है इसका गाइस, गिल्स या कुछ तो मिलता है, वो मुझे गाइस फार्म करना है। ठीक है लेट्स गो, घर पे चलते फटाफट से, आ जाओ आज भाई ये ग्लिची वाले बियर से हम लोग काम चला लेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो गाइस घर पे हम लोग आ चुके हैं, बियर को कर दिया है लैंड। अभी बियर के लिए चुना गाइस मैं फटाफट से सैडल लेके आता हूँ, और सीधा गाइस हम लोग निकल रहे हैं भाई रेडवुड में। रेडवुड में जाना है और वहाँ पे जो डायनो को दिखाता ना उसको मार के हम लोग को आना है। बियर का सैडल शायद से यहाँ पे बन जाएगा बट मैंने अनलॉक नहीं करा है शायद से गाइस बियर का सैडल ना। ये रहा डायर बियर सैडल, अनलॉक कर लिया है एंड भाई डायर बियर, भाई बियर का सैडल मेरे इन्वेंटरी में बनता है क्या? लग तो रहा है ये रहा डायर बियर का सैडल। फाइबर सीमेंटिंग पेस्ट सो चाहिए, वाव फाइबर सीमेंटिंग पेस्ट हाइड एंड सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए ना, सीमेंटिंग पेस्ट तो यहाँ पे पड़ा हुआ है।
सीमेंट भाई यहाँ पे भी, अच्छा ऊपर डाला हुआ होगा मैंने शायद से, ऊपर डाला होगा। चलो ऊपर से लेके आता मैं सीमेंटिंग पेस्ट। चलो गाइस फटाफट से ऊपर चलते, शायद से मैंने फैब्रिकेटर के अंदर ना थोड़ा सा सीमेंटिंग पेस्ट रखा हुआ है ऐसा मुझे लग रहा। ठीक है 700 पड़ा हुआ है, ठीक है चलो। बियर का सैडल तो बन रहा है ना, बियर का सैडल बन चुका है, बचा हुआ सारा का सारा रिसोर्सेस हम लोग वापस से इसके अंदर डाल देते हैं एंड चलते बियर को लेके। ये वाले अंडे क्यों किस काम आएंगे पता नहीं मुझे। हाइड्रो अंडे दे रहे हैं मतलब इसमें और टायर्स ऐड होने वाली है, बट फालतू में जो भी ये मॉड बना रहा है ना वो टायर्स ऐड कर रहे हैं, बट डायनो जो है गाइस उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दिखने में बस डायनोज अच्छे और भाई उनके पास कोई स्पेशल पावर वगैरह नहीं है। सो ये बात मुझे गाइस काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही है, और इस रीज़न से ना इन डायनोज को मैक्सिमम भाई मैं टेम ही नहीं कर रहा हूँ। जो ओपी ओपी डायनोज होते हैं इतने डायनोज में उन्हीं को टेम कर रहा हूँ, लाइक रेक्स पाइनो वगैरह, बाकी डायनोज को तो मैं इग्नोर ही मार रहा हूँ क्योंकि इनके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, बट इनका जो डैमेज है गाइस वही बस इंक्रीज करा गया है। लाइक आप देख सकते हो भाई ये बियर की आंखें तो काफ़ी डरावनी लग रही है। क्या हो गया भाई पानी, रुको भाई जिसको जो है ना प्यास लगी हुई है फटाफट से पानी पी लेता हूँ मैं, अपने कैरेक्टर को प्यास लगी है। ठीक है ये देखो इस बियर की बस आंखें जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही है, बाकी इसके भाई अंदर से जो लाइटनिंग निकलती है वो तो पूरी तरीके से यहाँ पे ग्लिची हो चुकी है। मैं इसका भाई टाटा कर रहा है गाइस, देखो टाटा टाटा भाई वो भी ठीक से कर नहीं पा रहा है बेचारा, ये क्या ही बोले 20,000 स्टैमिना और 15,000 हेल्थ, भाई लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया भाई। स्टैमिना भाई का 20,000 है और हेल्थ 15,000 है भाई, बियर भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है ये तो, इसका तो स्टैमिना एकदम खतरनाक ही है। चलो इसको लेके जा रहा हूँ मैं रेडवुड में, जो गाइस मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको डायनो दिखाए थे ना उनको मार के उनका जो कुछ तो मिलता है हम लोग को, दांत या कुछ तो ऐसी चीज़ मिलती है वो हम लोग को इकट्ठा करनी है एंड उसी की मदद से हम लोग उन डायनोज को टेम कर सकते हैं। वो नॉकआउट टेम नहीं होते डायनो भाई, और वो हमारे नॉर्मल जो है ना गाइस गन से एरो मारेंगे उनको तो उनको टॉर्पोर नहीं चढ़ता। अभी जल्दी यहाँ से हटो, चलो लेवल अप भाई, ठीक है लेवल अप ईजी पीजी आराम से, चलो लेट्स गो। 7 लेवल अप आ चुके हैं, मैं इसके मिली डैमेज में डालता हूँ। वैसे इसका 1500 का डैमेज था, मुझे लग रहा है 2000 तक चला जाएगा, रुको मैं देख लेता हूँ ना कि इसका डैमेज कितना जा रहा है। ये पहले जो रुको मार के वो हटाने दो मुझे, ये जो ऐसे मार्क आता है ना हाँ इसको हटा देता हूँ, एक ही मार्क रखेंगे बस खाली। ठीक है डैमेज 1300 का ईजी पीजी, बाकी इसके पास कोई स्पेशल अटैक है भाई? नहीं स्पेशल अटैक नहीं, तो बियर वाला अटैक ही है, कोई भी स्पेशल अटैक नहीं है गाइस इसके पास। इसका सेकंड जो अटैक है उसको 5000 सच में 700 दे रहा है, 1700 तब भी बोलूँ 5000 तो नहीं जा सकता यार, 1700। इसके दो अटैक होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक से झापड़ मारता है, एक राइट क्लिक से झापड़ मारता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला अटैक है उसका डैमेज यहाँ पे इसकी ज़्यादा जा रहा है। इसकी लेवल अप तो हो रही है अच्छे से, मुझे बस जल्दी से रेडवुड में पहुंचना है, ठीक है बस रेडवुड में पहुंचना है, इसमें पानी वगैरह आ जाएगा, इसको क्रॉस करके बस रेडवुड में पहुंच जाना है और उस डायनो को जाके मार देना है। मैं क्विजल से उसको मार नहीं पाता इसलिए मैं बियर को लेके आ गया, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, पता भी नहीं चल रहा मैं जा कहाँ पे रहा हूँ इतने ज़्यादा भाई घनी झाड़ियों के बीच में, शायद से रेडवुड में। हाँ भाई रेडवुड में पहुँच तो गया, रेडवुड में पहुँच तो गया। 14 लेवल अप भाई, मैं 20,000 हेल्थ कर लेता हूँ गाइस, मेरी ज़्यादा नहीं 20,000 हेल्थ। एक और लेवल अप आ जाए भाई, फाइबर वगैरह इकट्ठा कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। ज़रा बस सुबह डैमेज फाइबर वगैरह काफ़ी इकट्ठा कर रहा है। अल्फा डायनो को मारेंगे ना तो ज़्यादा गाइस लेवल अप मिलती है, इसलिए गाइस इस अल्फा वाले पैरासो देरियम का गेम बजा रहा है। जा भाई कहाँ भाग रहा है ये बेटा, पट्ट से हेडशॉट, ठीक है ये हो गई गाइस मेरी 20,000 हेल्थ अपने डायनो की। बोलो जिबा केसरी चल निकल, लाड़ में मारने के लिए आ रहे थे, लाड़ में मारने आ रहे। चलो अभी चलते हैं गाइस और उस डायनो को मार के आ जाते हैं। मुझे थोड़ी नॉर्मल डायनोस को भी मारना था कि मुझे हाइड मिल सके, हाइड की घर पे थोड़ी सी कमी चल रही है। हाइड हो गया 800 हाइड, ठीक है फाइबर तो कुछ ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। यहाँ क्या चल रहा है, सबकी बैंड भाई एक बटके में बजा दी मैंने, लेट्स गो सबके बैंड एक पटके में बजा दी और 800 समथिंग कुछ हाइट भी मिल गया। चलो लेट्स गो, ओ लेवल अप आ गए क्या, मिली डैमेज में तो बाकी लेवल है। डन 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 12,000 का जिसकी हेल्थ है
अभी चल के गाइस जिस डायनो को मारने के लिए आए उसको जाके मार। हट तो यार, टाइटन वो आगे बच्चे बीच में आ गए गाइस। यार लेकिन अजीब लग रहा है कि नहीं भाई बियर, मुझे तो काफी ज्यादा वियर्ड लगा ये बियर भाई। लेकिन स्पीड तो है भाई, स्पीड तो है, अगर इसको अच्छे से बिना ठोके चलाए ना तो भाई इसको काफी ज्यादा स्पीड में चला सकते हैं। क्या चीज भाई, इतनी ज्यादा बड़ी मछली, इसको बिना ठोके चलाए ना भाई काफी ज्यादा स्पीड में काफी ज्यादा दूर तक इजीली इसको दौड़ा दौड़ा के लेके जा सकते हैं। देखो देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो स्पीड, देखो स्पीड भाई, ग्राफिक भी, नीचे की घास भी रेंडर नहीं हो पा रही है, इतनी ज्यादा स्पीड में चला रहा हूँ मैं बियर को, मजाक हो रहे के। अरे यार टक्कर मार दी, अरे पापा की परी है यार, यहाँ पे स्टन कर देगी मैं। ये देखो ये पापा अल्फा कार है सामने, अल्फा कार मर गया मैं भाई। रुक जा भाई, अरे रुक जा, बिठा ले यार, अरे तेरी तो मैं, अरे बिठा ले भाई, मैं भाई मरवा देता भी है, अभी मरवा देता भाई मेरे को, अभी मरवा देता। बाल बाल बचाओ, मैं बाल बाल बचाओ, बस फुल स्पीड में भागूंगा। अल्फा कारनो आवारी बाल चल गए। अरे नहीं, पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, स्टन मत कर, पापा की परी, स्टन नहीं करना। अरे कैसी आ जा भाई, रेड उड़, भाई रेड उड़ बहुत ज्यादा। अरे कितनी पापा की परी है इनका, हर कोई कैम धंधा हे नहीं क्या रे, कितनी पापा की परी है भाई ये। चलो एक को तो मार दिया मैंने भाई, मुझे पानी क्रॉस करने, तो मैं रेड उड़ साइड में रहूंगा ना, तो पापा की परी है मेरा गेम बचा देगी। निकल लेता हूँ मैं यहाँ से, रैप्टर पीछे लग गया, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, वो लगा तो था वहाँ पे, रुक गया बेचारा जो पापा की परियों को मार रहा है। ठीक है रुको, मैं फटाफट से अपने लेवल अप करता हूँ। 8 लेवल अप आ गई भाई, 8 लेवल अप आ गई, सही। चलो थोड़ा हाइड वगैरह जो मिला है वो ले लेता हूँ, एंड चलो चलते गाइस। फाइनली हम लोग उस लोकेशन पे पहुंचे हैं जहाँ पे मुझे वो डायनो मिलेगा। ये नहीं है वो डायनो भाई, कहाँ पे चला गया, उसका नाम भी भूल गया मैं, उसका नाम भी भूल गया, बीच पे ही गई पे तो था भाई, उसको मार ना दिया वो ब्रोंटो विंटोसोरस ने। कहाँ पे गया, जंगल के अंदर गया था ना थोड़ा, वो पंगे तो ले रहा था भाई बहुत ज्यादा डायनो से, पंगे तो ले रहा था भाई, दिखाई नहीं दे रहा अभी। ये नहीं है तो रेक्स है यहाँ पे, आलू आलू पार्टनर को बुला रही है, ब्लीडिंग अटैक दे रहा, ब्लीडिंग अटैक दे रहा, ब्लीडिंग अटैक दे रहा, ब्लीडिंग अटैक दे रहा भाई, हेल्थ बहुत डाउन कर दिया, बहुत ज्यादा ही डाउन कर दी भाई आलू सोरस ने हेल्थ तो। भाई देख रहे हो हेल्थ की बैंड बची पड़ी है मेरे भाई, ब्लीडिंग अटैक दे दे के भाई हवा टाइट कर दी बियर की। वो कहाँ पे अभी, वो रहा वो रहा, दिख गया मुझे, वो मुझे उल्टा ना मार दे स्पाई ग्लास में, उसकी पहले मैं हेल्थ देख लूँ कितनी है, कितनी हेल्थ है भाई, 11,000, मार तो ना देखा ना भाई। वहाँ पर रेक्स भी है यार, वहाँ पर रेक्स भी घूम रहा भाई, वो रेक्स अलग से मारेगा मुझे, मुझे उस रेक्स से भाई थोड़ा डर लग रहा, और रेक्स से पंगे ले रहा, और रेक्स से पंगे ले रहा है, और रेक्स ने उसका गेम बजा डाला। वो चलो उसकी पेटी तो एटलीस्ट पड़ी हुई है, रेक्स ने अपना काम आसान कर दिया। वैसे मेरे पीछे पीछे आ रहा है क्या रेक्स, छोड़ो रेक्स के पीछे एक रीपर है, उसको देखो, ठीक है रेक्स के पीछे एक रीपर भी है वहां पे, रुक जाओ मैं रीपर और रेक्स से भाई बच के वो पेटी लूट पाऊंगा, पॉसिबल तो नहीं लग रहा ये वाला। नाइस, जो चीज चाहिए थी मिल गई, कल के कल भागो, लेट्स गो, जो चीज चाहिए थी गाइस वो मुझे मिल चुकी है, वहां पे रीपर भी थी, उसको भी चकमा देके भाई फुल स्पीड में भागा हूं। ये किसकी बेटी है, इसमें दिखाई भी देता है क्या क्या, एलोसोरस की बेटी है भाई, ठीक है। चलो ये तो अपने भाई वो ऑसम स्पाइकलेस की तरह ही काम करती है। चलो हमको जो चीजें चाहिए थी गाइस वो मिल चुकी है, अभी सीधा गाइस हम लोग को जाना है घर पे, ठीक है। अरे यहाँ पे भाई लड़ते रहो तुम लोग, कौन कौन लड़ रहा है, रेक्स लड़ रहा है भाई, लावा रेक्स यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भाई मिल रहे हैं,
और भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दो दिन में ये हमारा बियर जो है इसके साइड में जो लाइटनिंग वाला ग्लिच है गाइज वो ग्लिच फिक्स हो जाए। चलो तो गाइज आज का हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो हो जाता है यही। अब अरे अल्फा बिल्फा बच्चे गाइज बच्चे छोटे बच्चे। चलो तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से हम लोग जो मुझे कार्नो है क्या ये क्रेंटो है कार्नो। चलो ना रैप्टर कुछ ज़्यादा ही चोड़ में आ रहे थे मारने के लिए। ठीक है चलो तो गाइज आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो हम लोग कर देते हैं गाइज ये पे खत्म। मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क सेंटेड के। तब देख लिया बाय। अगले एपिसोड में ये जो वेनम हम लोग ने इकट्ठा करा है वेनम स्पाइन इसकी मदद से हम लोग जो है ना गाइज कुछ नारकोटिक बनाएंगे और जिस डायनो को मारने से वेनम स्पाइन मिला है उस डायनो को टेम करने का काम हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। उसका टेमिंग मेथड काफी ज्यादा वियर्ड है और उसको टेम करने में मजा आएगा। सो अगला जो एपिसोड होगा वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज का ये वाला एपिसोड कैसे हमारा हो जाता है पे खत्म। मिलते हैं सिताब से अगले एपिसोड में आर्क असेंडेड के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस सी यू लेटर। जाते जाते ना कोई तो लगा पीछे किसी ने तो मारा मुझे तो मारा भाई। जाते जाते भाई इसकी प्राण बजाएंगे भाई। एक फटके में मर गई भाई ब्रूट मदर। आप तो ही भाई छोड़ो चलो मर गई भाई एक फटके में मर गई ब्रूट मदर। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.